जीवन में कभी कभी रोड पर या घर पर कोई आकस्मिक दुर्घटना हो जाती है, जिससे कोई हमारा चाहने वाला या अजनबी जख्मी हो जाता है और कई बार ये संभव नहीं हो पाता कि तुरंत अस्पताल पहुंचाया जा सके। अस्पताल थोड़ी दूरी पर होता है और समय लग जाता है, ऐसे में उस व्यक्ति को उपचार की जरूरत होती है। जख्मी व्यक्ति को समतल जगह पर लिटाएं। अगर शरीर पर कांच से घाव हुआ है तो गहरे घाव जिससे खून बहुत बह रहा है उसे रोकने के लिए साफ कपड़े से दबाव देकर पट्टी बांधे जिससे खून का बहाव रुक सके। और अगर कांच के गहरे धसे घाव से खून बह रहा हो तो उस गहरे धसे कांच के टुकड़े को न निकालें और घाव पर चूना मिट्टी राख इत्यादि पदार्थ न लगाएं। अगर घायल व्यक्ति के सर पर चोट लगी हो तो एम्बुलेंस में सीधे लिटाकर ले जाएं और मरीज को मुंह से कुछ न खिलाएं व पिलाएं। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं राजस्थानी गोल्ड मसाला। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर 24 न्यूज पर और आपके साथ में प्रदीप योगी। दिखाते हैं आपको देर शाम की तमाम खबरें। डक सुवासरा मार्ग पर डक से 10 किलोमीटर दूर भूतेश्वर महादेव मंदिर ग्राम उमरिया में श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय संत नित्यानंद बाबू के द्वारा वहीं मंदिर पुजारी महंत 108 नारायण दास ग्रामीण राम गोपाल टेलर ने बताया कि मंदिर प्रांगण में रात्रिकालीन में भजन संध्या का आयोजन भी किया जा रहा है। समस्त क्षेत्रवासियों की तरफ से कथा का आयोजन किया जा रहा है। LHVNNM संघ ऑफ राजस्थान की जिला अध्यक्ष मीना पारेता ने बताया कि सेक्टर खानपुर के स्वास्थ्य केंद्र डूंडी गाडरवारा में कार्यरत महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता हेमलता शर्मा के सेवाकाल को आज पूर्ण हो जाने पर विदाई समारोह आयोजित किया गया। ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉक्टर मुकेश कुमार नागर ने सानिध्य में पुष्पहार साड़ी भेंट कर सेवाकाल पूर्ण होने पर प्रमाण पत्र देकर विदाई दी। नरेश वर्मा बाबूजी द्वारा शाल उड़ाकर सम्मानित किया। झालावाड़ जिले के चोमेला में श्वेतांबर जैन समाज के पर्यवेक्षण पर्व के अंतिम दिन बुधवार को संवत्सरी महापर्व मनाया तथा बड़ी संख्या में समाज के सभी लोगों ने उपवास कर दिन भर साधना में व्यक्त किया। इस दौरान जैन समाज के सभी व्यापारी प्रतिष्ठान बंद रहे। जैन स्थानक में पर्यवेक्षण पर्व के अंतिम दिन धर्म सभा को संबोधित करते हुए साध्वी कमलावती जी महाराज का कहा, संवत्सरी महापर्व हमेशा क्षमा को संदेश देता है। उन्होंने क्षमा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए आपसी प्रेम भाईचारा रखने की सीख दी। मंदिर में व्याख्यान के बाद चैत्य परिपाटी की गई। बेसुदा नगर परिषद गांव के वार्ड नंबर 6 में वासियों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में बारिश के चलते चारों ओर से गुजरना पड़ रहा है और लगातार वहां परेशान हो रहे। गिट्टी मटेरियल डालने के लिए कई बार नगर परिषद को अवगत करा दिया लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा। ऐसे में वार्ड नंबर 6 के वार्ड वासियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मंदसौर के नेहरू बस स्टैंड पर एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। आशंका की हत्या कर शव को यहां फेंक दिया गया। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम करवाया और पुलिस मामले की जांच कर रही। जानकारी के अनुसार सुबह 4 बजे करीब पुलिस को खबर मिली कि नेहरू बस स्टैंड पर बस के पीछे अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा मिला। पुलिस मौके पर पहुंची और शव का PM के अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने अब बताया कि शव की शिनाख्त सरदार लाल पिता बगदू निवासी परासली जिला झलावाड़ के रूप में हुई है। प्रारंभिक रूप से यह हत्या का मामला बताया जा रहा है लेकिन फिलहाल इस संबंध में आधिकारिक पुष्टि नहीं की जा सकती है। PM रिपोर्ट के बाद ही मामले का खुलासा हो सकेगा। आज रात में करीब 4 बजे नेहरू बस स्टैंड पे सरदार पिता बगदू जी परमार निवासी परासली गंदार की मृत अवस्था में लाश मिले शव मिला था जिसको PM मंदसौर भेजा गया है तथा मर्ग कायम करके जांच। खबरों में फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहे खबर 24 न्यूज। इस बुलेटिन के प्रायोजक थे राजस्थानी गोल्ड मसाला। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचोरी एंड मिस्टर भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देशी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग पल दो पल स्वाद हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरा लाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार, विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन,
आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजेटागिज के पास, बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी बहानी मंडी। चक्की चल रही कबीर बैठा रोई, दोनों पुड़ के बीच में तो साजान निकले जिको। छोड़ के मत दाऊ एक लीर बन जारा रे, बन जारा रे रे। आ दूर देश रहे मामला अब जा, साहिब ने महल बनाई बन जा रहा रे, बन जा रहा रे। हाँ गहरी गहरी माहें बीन बजाई बन जा रहा हूँ। छोड़ के मत दाओ एक नीर बन जा रहा रे, बन जा रहा रे। Let's get it.